आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरी आंखों में क्या हो गया है यार। मेरी आंखों में कुछ नहीं हुआ, बस मैं जरा सा ना अपने आंसू पोंछ रहा था और बस आंसू आ गए थे मैंने अभी। खुशी के आंसू है, परेशानी की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लिप देखा, जो क्लिप्स थे कट कट के आ रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी ने आज कुछ बात बात की है और किसी इवेंट में वो गए थे और उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि वो उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर उनके लिए टीम है, फिर वो आते हैं और वो कभी भी कप्तानी तो आने जाने चीज़ें, उन्होंने तो कप्तानी का कभी सोचा नहीं, न कप्तानी उनके हाथ में है और साजिश की बात तो उन्होंने कभी सोची ही नहीं, ना उन्होंने कभी साजिश की। और वो नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव चीज़ों को दूर रखते हैं और जो है वो प्रेजेंट पास को सोचते नहीं, फ्यूचर का सोचते हैं। फिर उन्हें फ़ौरन चेंज कर, नहीं, मैं प्रेजेंट को रख के फ्यूचर का सोचता हूँ। फिर मेरी ये सब बातें सुन के मुझे एकदम आंसू आ गए और मैं हैरान था कि भाई ने इतनी बातें की, यार भाई मत करो इतनी बातें, मेरे तो रो गया मैं, आंसू आ गए खुशी से, मारे पागल हो गया मैं कि शाहीन शाह अफरीदी इतना दर्द रखते हैं इस मुल्क के लिए, दर्द रखता है टीम के लिए और उसने आज तक कभी 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 नहीं सोचा कि उसको कप्तानी बनना है, कप्तान बनना है, ऐसे कप्तानी की दौड़ में कभी वो शामिल ही नहीं था, कभी उसकी नीयत ही नहीं थी, कभी उसने सोचा नहीं फ्यूचर की कप्तानी के लिए। फिर मेरे जहन में आया कि यार, तभी मुझे चंद दिनों पहले की बात है, जब चंद महीने की बात है कि आज जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो सबसे पहले एक ही बंदे ने ट्वीट की थी, वो थे शाहीन शाह अफरीदी और उन्होंने बड़ी बहुत तारीफें की थी बाबर आजम की, लेकिन उस ट्वीट में कहीं ये नहीं लिखा था कि यार मैं ये कप्तानी नहीं ले रहा क्योंकि मैं इस रेस में तो कभी आया ही नहीं, मैं तो सिर्फ मुल्क का सोचता हूँ, अपना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जैसे उन्होंने बात की और फिर उन्होंने फौरन कप्तानी ले ली और वो T20 के कप्तान बन गए। फिर मैंने सोचा अच्छा, उसके बाद उनसे कप्तानी छीन ली गई, अब वहां उनसे हो गई ज्यादती, उधर बाबर से उन्होंने ज्यादती की थी। फिर वो कहते हैं ना कि वो जो कहते हैं ना कि कर्मा हो जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा करोगे, वो उनके साथ उलट हो गया, फिर बाबर आजम कप्तान बन गए। और उसके बाद खबरें हम तो नहीं दे रहे थे यार, कसम से हमने तो कुछ बोली नहीं थी, हमने तो मीडिया पे सुना, पढ़ा, पूरे न्यूज़ चैनल्स पे पढ़ा, बातें सुनी, लोगों की बातें सुनी कि शायद कोच ने या किसने रिपोर्ट जारी की और उसने बोला कि यही है कि शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड अच्छा नहीं था, वो बातें नहीं सुनते थे और टीम में ग्रुपिंग थी और शाहीन का अंदाज वो नहीं था, शाहीन ने किसी की बात को माना नहीं, शाहीन रूट थे। यकीन करो यार, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा था। और एकदम से शाहीन ने बोला ये मैं सब तो करता नहीं। तो फिर मैंने कहा कि या तो क्या रोटी को चुच्चू कहते हैं वो, या क्या कहते हैं, या हम नन्हे काके हैं या शाहीन शाह अफरीदी नन्हे काके बन रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा, या हमने दुनिया नहीं देखी, या हमें क्रिकेट का पता नहीं, या ऐसी ऐसी एक्टिंग हमने कसम खुदा की पाकिस्तान में ना पॉलिटिशियंस को देखी है और या इंडियन फिल्मों में हमने देखी है, वो जो पॉलिटिशियन बनते हैं वो ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं। यकीन कीजिए, ऐसी बातें सुन के मैं हैरान हो गया कि यार कैसे कर लेता है बंदा ऐसी बातें। क्या क्या शाहीन शाह अफरीदी, आप सबको पता है, हमने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, जब पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप हार चुका था और परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, उसी दौरान ही बातें नहीं शुरू हो गई थी कि बाबर को कप्तानी से हटाओ और शाहीन को कप्तान बनाओ, और फौरन ही शाहीन को कप्तान बना भी दिया गया था T20 का और बाबर को कप्तानी के तीनों फॉर्मेट से हटा दिया गया था। और शाहीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तानी भी की थी, बेशक पाकिस्तान वो 4-1 से सीरीज बुरी तरीके से जलील होकर हार गया था। तो वो मुझे बात समझ नहीं आई थी कि यार ये क्या कहानी। उस टाइम पे शाहीन शाह अफरीदी अगर रेस में नहीं थे, मैं मान लेता हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात कर रहे हो, तभी तो मेरे खुशी के आंसू आए कि यार दर्द रखता है, मुल्क के लिए दर्द रखता है, टीम के लिए दर्द रखता है, अपने लिए तो कभी उसने सोचा ही नहीं, उसका सिर्फ फोकस परफॉर्मेंस पे होता है जो कि काफी अरसे से हो नहीं रही। वो रऊफ के साथ, हारिस रऊफ के साथ वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में जो है वो रन मशीन बने हुए थे, वर्ल्ड अभी वर्ल्ड कप गुजरा है T20 का, उसमें क्या परफॉर्मेंस थी, और वो भी किसी को सवाल नहीं उठ रहे। दूसरा, सहाफ़ियों ने सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो सहाफ़ी थे या कौन थे, लेकिन मुझे कहीं कहीं से लगा कि कहीं प्लांटेड, मुझे लगा, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, लोग कह रहे थे कि प्लांटेड सवाल लग रहे थे। एक किसी ने सवाल किया कि वो शाहीन ये आपके खिलाफ जो लॉबी हो रही है और आपके खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है, उसने ये आपके बारे में बातें की, यानी कि शाहीन एकदम नन्ना काका है, मासूम का बच्चा है, दूध का धुला हुआ है और उसने तो कभी कुछ देखा ही नहीं है, उसने तो कभी सोचा ही नहीं है साजिश क्या होती है, उसको तो साजिश की स्पेलिंग नहीं पता
और उसको मायने भी नहीं पता, और फिर वो एक लॉबी उसके अगेंस्ट हो गई। फिर एक और सवाल मैंने सुना, हाँ क्लिप में आ रहा था कि वो क्या लेवल, हाँ शाहीन जब से आपकी कप्तानी गई है पाकिस्तान ने टोटल 6 मैचेस जीते हैं और इसमें से 4 में आप मैन ऑफ द मैच थे। यानी कि आप देख रहे हैं, एक सवाल लॉबी का यानी शाहीन की सपोर्ट आ रही थी, फिर दूसरा सवाल भी शाहीनी को सपोर्ट करके आ रहा था। तो भाइयों वो बता तो देते कि वो जो 6 मैचेस पाकिस्तान जीता उसमें 4 में जो आप बोल रहे हो कि शाहीन मैन ऑफ द मैच था, तो उसमें से तो 3 तो आयरलैंड के खिलाफ मैच थे और बकिया मैचेस न्यूजीलैंड की सी टीम जो आई थी ना उसके खिलाफ थे। इंडिया से हम हार गए, यूएसए से हम हार गए, इंग्लैंड से सीरीज वाइट वॉश हो गई, तो आयरलैंड से भी पहला मैच हारे थे लेकिन सीरीज बच गई थी। तो ये बात कोई नहीं कर रहा, ये सवाल नहीं पूछा मैं। और फिर उसके बाद कैसे लग रहा है आप रेड बॉल के लिए तैयार है, मुझे वो रेड बॉल पे याद आया तैयारी से। वो आपको याद होगा अभी दिसंबर में पाकिस्तान ने जब तीसरा टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच खेले गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो तीसरे टेस्ट मैच में शाहीन ने अपने आप को ड्रॉप कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान कोई सीरीज जीत नहीं रहा था लेकिन वो क्रूशियल था, वो मेन स्ट्राइक बॉलर आप ही थे और उस वक्त हारिस ने भी जो किया था वो सबके सामने उनको उसको सजा भी मिली थी। और मेन क्रूशियल मैच में जहाँ मैच को इस सिचुएशन पे ले जा सकते थे, कम से कम 2-0 करते, वाइट वॉश नहीं होता, आप ड्रॉप हो गए, आपने अपने आप को ड्रॉप कर दिया था रेस्ट के नाम पे। चीज़ें याद हैं हमें, हमारे माइंड ख़त्म नहीं हुए हैं, हम लोग गजनी नहीं हैं कि हम अभी चंद महीने पहले की चीज़ें भूल जाएंगे। वो बातें करें जो हजम हो, वो बातें ना करें जो हजम ना हो। अगर शाहीन शाह अफरीदी, एक मफरूजे की बात रख लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी अगर कप्तानी की रेस में नहीं थे तो क्यों शाहिद अफरीदी साहब इतने दिनों से, आज से नहीं मुझे अच्छी तरह याद है, वर्ल्ड कप 2000 जो गुजरा है 23 का वनडे इंटरनेशनल का, उस वक्त से टीवी पे बातें होती थी कप्तान कप्तान कप्तान, अच्छा नहीं होगा तो टीम अच्छी नहीं होगी, बड़ी बड़ी बातें। फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। अब शाहीन ने अगर रेस में नहीं थे तो शाहीन ने वो कप्तानी क्यों एक्सेप्ट की, क्यों एक्सेप्ट की? आपको याद होगा उससे बहुत पहले को एक साल पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान गया था, अफगानिस्तान की वनडे T20 सीरीज थी UAE में, और आपको याद होगा उसमें बाबर और रिजवान ने ना रेस्ट किया था और शादाब को कप्तान बनाया गया था और पाकिस्तान वो सीरीज हार गया था। शादाब ने हाथ खड़े कर दिए थे, कह दिया था नहीं भाई मेरे से नहीं हो रही कप्तानी। शाहीन उस रेस में अगर नहीं था तो शाहीन ने भी हाथ खड़े कर देने चाहिए थे, कहता नहीं भाई अभी तो मेरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पे, मैंने अपना तो सोचता ही नहीं है, मैं तो अपना सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मुल्क का और टीम का पहले सोचता हूँ। तो टीम को तो शाहीन के कप्तानी की ज़रूरत नहीं थी, अगर बाबर नहीं था तो कोई और भी हो सकता था, वाई शाहीन, शाहीन ने क्यों उसको एक्सेप्ट किया? उसके बाद एक तो गलती बोर्ड ने की, फिर शाहीन ने भी गलती की, फिर दूसरी गलती उसके साथ, अब क्या हुआ जब सीरीज हार गए तो अब वहाँ शाहीन के साथ ज्यादती हो गई। अब मैं यहाँ पे शाहीन को फेवर करूंगा कि वहां शाहीन के साथ ज्यादती हो गई क्योंकि उसको अब बना दिया था, अब ये गलती आप कर चुकी थी क्रिकेट बोर्ड, शाहीन साहब एक्सेप्ट कर चुके थे गलती के, गलती में देखें उन्हें एक्सेप्ट कप्तानी कर ली थी और हमारी नज़र में वो गलती थी, उन्होंने वो गलती कर दी और उसके बाद वो अब उनको कंटिन्यू रखते हैं आप T20 वर्ल्ड कप तक। 6 महीने की तो बात थी, 4 महीने की बात थी, PSL के बाद आपको क्या सूझी, बोर्ड बदल गया, कप्तान बदल गया। अब वहां पे जिसके लिए गड़ा खोदा गया था, जिसको निकाला गया था, उसने उससे महान गलती कर दी, जहां उसको सिंपथी मिल रही थी, सिंपथी थी उड़ के आ गई शाहीन शाह अफरीदी के पास, ये भाई बाबर आजम ने ये क्या किया, बाबर आजम को क्या जरूरत थी? बाबर आजम ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती ये की, कप्तानी ले ली। फिर T20 आप चले गए आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड सी बहुत बुरी हालात थे आपके, बचत हो गई। फिर आप गए आयरलैंड, पहला मैच हारे, दूसरा तीसरा जीत गए, सीरीज बचा लिया आपने। फिर आप गए इंग्लैंड, वहां से आप व्हाइट वॉश होकर आ गए। फिर आप गए वर्ल्ड कप, वहां पे आप यूएसए से हार के आ गए और पहली बार आप बाहर हो गए पहले राउंड से। तो बात उसके बाद फिर रिपोर्ट आ रही है करें कोच की तो मैनेजर की तो फलां की तो डमकाना की, हम तो नहीं बोल रहे, हमें तो नहीं पता। अच्छा अगर फर्ज कीजिए ये रिपोर्ट गलत थी या जो मीडिया में इतने अरसे, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन चली होगी बातें, इतने आर्टिकल छपे में, इतनी न्यूज चैनल्स भरी हुई है, इतने लोगों के मैंने इंटरव्यूज और बातें सुनी हुई है, वीलॉग सुने हुए हैं, किस किस की क्या क्या पॉडकास्ट सुनी हुई है, अगर ये बात गलत थी कि शाहीन ने ऐसा नहीं किया या ऐसी कोई रिपोर्ट शाया नहीं हुई थी, तो PCB की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया, इवन शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से भी कोई डिनायल नहीं आया इस बात पे, और ना पहले आया, कोई ऐसी बात नहीं। फिर शाहिद अफरीदी का बयान चला आ रहा है कि सिर्फ बाबर को बचाने के लिए सब पर हार जा रहा है, अब मुझे नहीं पता कि शाहिद अफरीदी ने बात कही नहीं गई, जो न्यूज में आ रहा था वही मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है बातों में, तजाद भरा पड़ा हुआ है।
एक्शंस और जबान यानी कि एक्शन और वर्ड दोनों साथ मैच नहीं कर रहे। और शाइना जिस तरह की बात है कि इतना मासूम, इतना भोला, इतना दूध का दूल्हा, सीधा बंदा, दिल आंसू से रो गया मेरा, ऐसी बातें वो बंदा कर रहा था। अगर आप भी देखें ना वो जो बातें किए, मैंने तो पता नहीं पूरा शायद इंटरव्यू था क्या था, मैं तो सिर्फ चलते मिलते वो रील्स उठाते ना उसमें क्लिप्स आ रही थी, तो मैंने उसी में सुना। मैंने कहा यार रियली ये शाहीन शाफरीदी बोल रहा है, अमेजिंग मैन, अमेजिंग। ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आप हम आवाम को, हम फैंस को क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है? कोई भी हो, बाबर हो, शाहीन हो, या एक्स वाई जेड टीम का कोई भी हिस्सा हो, किसी की यहाँ फेवर नहीं हो रही, किसी की यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रही। बात ये हो रही है हम लोगों ने जो सफ़र किया है ना, दिल दुखता है, दिल दुखता है। आप बता दीजिए अगर मैं गलत हूँ, क्या राइट्स मिले हम लोगों को? क्या पीसीबी को जो इंटरनेशनल राइट्स चाहिए, क्या उतनी जितनी पीसीबी मांग रही है मिल रहे हैं? मिल रहे मीडिया पे आया नहीं मिल रहे। उसकी वजह क्या है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ही नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। नंबर टू, आप जो भी सीरीज रखते आ रहे हो या रख रहे हो, वो इतनी अपने होम सीरीज इतनी बेकार लोगों से रख रहे हो, इतने बेकार लोगों से रख रहे हो, अभी सिवाय इंग्लैंड के अलावा माजी में आप उठा ले किससे, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इनसे आप रख रहे हो, न्यूजीलैंड की सी टीम भेज दी आपके लिए, फिर आप बोलते हो कि आपकी ये हालत है, और फिर जब आप कहीं और जाके खेलते हो अवे में, फिर आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हो वहां तो आप पहले राउंड से बाहर हो जाते हो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं गलत हूं तो मुझे क्लियर कीजिएगा, 2023 के सितंबर अक्टूबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एशिया कप हुआ था, सितंबर के आखिरी में शुरू हुआ था, और एशिया कप शुरू हुआ था, एशिया कप से हम जो मुसलसल हारते चले आ रहे, एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप आए, वर्ल्ड कप हारे, ऑस्ट्रेलिया गए टेस्ट सीरीज वहां हारे, फिर न्यूजीलैंड गए T20 सीरीज वहां हारे, फिर PSL आया उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद न्यूजीलैंड की क्या कहते हैं सी टीम आई, वहां आपकी कारकर्दगी के सामने, आयरलैंड ने आपको पहले मैच मारा, आप आयरलैंड गए थे वहां तो इज्जत बच गई थी, दो मैच आप जीत के आ गए, फिर इंग्लैंड गए वहां आप पूरी सीरीज वाइट वॉश होकर आ गए, फिर आप वर्ल्ड कप। तो आप मुझे बता दें हमने जीता किया सिवाय आयरलैंड की सीरीज के अलावा, और न्यूजीलैंड की सी टीम तो आप छोड़ ही दीजिए ना उसको, इन वीक टीम्स के अलावा आपने जीता ही किया। न्यूजीलैंड ने आपको अपने होम ग्राउंड में 4-1 से मारा, क्योंकि वहां उनकी पूरी मेन तगड़ी टीम थी, सी टीम इसलिए थी क्योंकि IPL आ रहा था, IPL खेलने गए थे उनके खिलाड़ी। तो यह है सिचुएशन आपके साथ, और अगर इस सिचुएशन में चलेंगे मेरे दोस्त तो कोई भी हजम नहीं करेगा आप लोगों की बातों को, आप सबकी बातों में कोई भी कर रहा हो एक्शंस, और फिर उसके बाद एक्शंस ऐसे बता रहे, घूम फिर ऐसे रहे, बातें ऐसी हो रही जैसे कि वर्ल्ड कप जीत के नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये था कि ओहो हम सेमीफाइनल तक तो अपनी टीम को लेके गए थे, हार जीत तो खेल का हिस्सा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक्शंस, स्टाइल, कहीं से भी शर्मिंदगी, निदामत, एक कोई शर्म नहीं है, कोई कोई झिझक नहीं है, कोई कैसे कहते हैं, कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि यार हमने अपने मुल्क के साथ क्या किया, हमने अपने फैंस के साथ क्या किया। सबसे ज़्यादा दिल दुखा है हम लोगों का, हमारी टीम का, हम कहाँ कहाँ से हारते चले आ रहे, लेकिन नहीं, बस अपने मुंह अपनी बातें लिख के रख लीजिए, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होने वाली, सिर्फ कैटेगरी A B करके आप ख़त्म कर देंगे। अभी आप देख लीजिएगा वही हारिस रऊफ आपको बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं दिखेंगे, आप उसके बाद आप बांग्लादेश जैसी टीम को हरा के बोलेंगे वाह हमने बांग्लादेश को हरा दिया, फिर आपका फिर आप बोलेंगे कि वो इंग्लैंड आई थी इंग्लैंड में, और चलो इंग्लैंड से हार गए कोई बात नहीं, फिर आप जिम्बाब्वे जाओगे वहाँ जिम्बाब्वे को हरा के आ जाओगे, अगर हमने 2 सीरीज जीत गए 1 हारे में, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे ऑस्ट्रेलिया से हार के आ जाओगे, फिर आप बोलोगे कोई बात नहीं 2 तो जीता है ना, 2 हारे सिर्फ 2 तो जीता है, फिर आप साउथ अफ्रीका में थोड़ा कंपटीशन दोगे, फिर आप वहाँ पे भी हारोगे तो बोलोगे कोई बात नहीं 3 हो गए, फिर आप वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान बुला रहे हो जनवरी में, वहाँ वेस्ट इंडीज़ को मारोगे बोलोगे ओहो वाह 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 पाकिस्तान ने 3-3 बराबर कर दिया, हम देखो 3 तो जीते थे ना 3 हारे कोई बात नहीं, ये लॉलीपॉप हम माजी से चले देखे आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। तो ये कहना कि मैं कप्तानी की रेस में कोई नहीं है, तो फिर या तो मीडिया वाले पागल हैं जो हम तक ये खबरें बता पहुँचाते हैं, या तो फिर आप पागल हैं जो हमें पागल बना रहे, 2 में से कोई एक ही पागल बना सकता है, या तो मीडिया वाले पागल बना रहे जो अंदर की रिपोर्ट लाके आप लोगों को देता है, या फिर आप पागल बना रहे, डिसाइड आप लोगों ने करना है कि इन दोनों में से पागल हम आवाम को कौन बना रहे हैं, हम फैंस को कौन बना रहे हैं। आप अपने कमेंट्स
पे रिप्लाई जरूर कीजिए।